ये फुल एचडी एलबीडीएस कनेक्शन है, ये जो आपको दिख रहा है। ये मैं जो है यूनिवर्सल बोर्ड यानी ये T56 U11 पे जो है इसका डिटेल आपको दिया है। इस बोर्ड पे ये जो आप देख रहे हैं ये 1 से लेकर 30 पिन यानी 30 पिन तक की इसमें एलबीडीएस कनेक्शन है, जिसमें आप देखे होंगे एक मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड है U11, जिसमें ये एलबीडीएस कनेक्शन के बारे में आपको बताएंगे, जिसे ये एचडी की केबल है, एलबीडीएस केबल। इसमें देखिए एक एक पेयर बने हुए हैं, जिसमें से एक वाइट है और एक ब्लू, और वाइट जो है ये प्लस की तरफ है और ब्लू यानी नीला ये माइनस की तरफ है। यानी एक 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 पेयर होता है जिसमें प्लस माइनस होता है। तो आज इसमें आपको एचडी और फुल एचडी का आपको इस ब्लैक बोर्ड पे बताते हैं। ये हमारा जैसे 1 से लेकर 30 तक पिन बने होते हैं, ये मदरबोर्ड का जो है ये पिन है, जहाँ से आउट होते हैं हमारे एलबीडीएस सिग्नल। और पैनल पे जाके ये जो है 30 पिन का, और जो अपने जिस हिसाब से पियर है उस हिसाब से वो वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे, सीधी लाइन में। तो यहाँ इस बारे में समझेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए ये 3 पिन जो है यहाँ पे बीसीसी यानी पॉजिटिव सप्लाई की हो जाएगी, और बाकी जो एक एनसी हो जाएगी और 2 ग्राउंड हो जाएगा। ये हो गया हमारा 6 यानी 6 पिन, ये जो है हमारा सप्लाई के लिए यूज हुआ। अब यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा कि एचडी अगर है तो वहाँ पे 5 पेयर होगा, और फुल एचडी है तो 10 पेयर होगा। यानी 5 5 पेयर के जो है यहाँ कनेक्शन एलबीडीएस के होंगे, क्योंकि ये जैसे आपको इस बोर्ड पे मदरबोर्ड पे देखेंगे लिखा होगा LBA LBB, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ हमारा ऑड सिग्नल, ये हो गया ऑड सिग्नल। और LBB यानी ये हो गया इवन इवन सिग्नल। ऑड और इवन मिलके जो है फुल एचडी बना हुआ है।